जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। योद्धा डिफेंस स्टूडियो है प्राइवेट लिमिटेड में मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना, द बेस्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ पटना। मैं आज आप लोगों के बीच आपके लिए एयरफोर्स रेगा सेक्शन का रीजनिंग नॉन वर्बल काउंटिंग द फिगर लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आपके रीजनिंग का और काफ़ी परेशानियाँ भी होती है बच्चों को इस चैप्टर में, तो मैं आज आप लोगों के बीच इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे एक बार पढ़ने के बाद आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आज काउंटिंग द फिगर में यहाँ पे हम लोग चार पांच चीज़ों की काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे ज़्यादा सवाल आपका त्रिभुज से पूछा जाता है, तो त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ग के ऊपर, फिर चलेंगे हम लोग आयत के ऊपर, फिर सीधी रेखाएं, फिर वृत्त और घन के ऊपर, है ना। सबसे ज़्यादा सवाल आपका इस वाले सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है त्रिभुज वाले सेक्शन से। तो हम लोग अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज में, त्रिभुजों की गणना करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा त्रिभुज है, इसको देखकर तो सभी लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पे एक ही त्रिभुज हमें दिख रहा है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर एक है। अगर मैं फिगर को कुछ इस तरीके से करता हूँ तो अब बताइए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा एक हो गया, ये दो हो गया, दो तो हमें यहाँ दिख रहा है और हमारा ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हम देख रहे हैं, तो ये हमारा टोटल मिला करके यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हो जा रहे हैं, तीन हो जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ तो इस तरह से तीन त्रिभुज दिख ही रहा है, और हम आगे बढ़ते हैं काउंटिंग करते हैं तो एक हमें ये त्रिभुज, तीन और एक चार, फिर ये हमारा एक हो जाएगा पाँच, और ये एक बड़ा वाला हमारा छः त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारा छः हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब भी ये फिगर और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा तो इस तरीके से सिंपल तरीके से काउंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक फिगर देता हूँ कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो फिर जिस तरीके से हम लोग अभी पहले वाले में काउंट किए, इस तरीके से इसमें काउंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के फिगरों के लिए हम लोग किस तरीके से त्रिभुजों को गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से जो दिया हुआ है यहाँ पे हम इस तरह से एक दो तीन चार पाँच और छः लिखते हैं, और क्या करते हैं इसमें त्रिभुजों को काउंट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हम लोगों ने लिखा उन सभी नंबरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, उन सभी नंबरों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा टोटल 21। तो यहाँ पर हमारी त्रिभुजों की संख्या हो गई 21। हाँ, अगर इसी तरह से क्या है कि अगर मैं एक और फिगर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार अगर एक से लेकर के आठ दस या बारह तक की संख्याओं को हमें गिनना होता है या ऐड करना होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि लगातार एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n n प्लस वन बाई टू। दोस्तों इस फॉर्मूला की मदद से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो टोटल हम यहाँ से काउंट किए यहाँ तक हमारा आठ तक गया, मतलब n हमारा यहाँ पे एट है, तो हम n के जगह पर इस फॉर्मूला में एट रखेंगे तो एट एट प्लस वन बाई टू, और इस टू से इसको कट कर देंगे ये फोर, फोर इंटू नाइन इक्वल टू 36। तो टोटल त्रिभुज इसमें हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा।
चलिए एक बार और फिर से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज एक है हमारा, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे त्रिभुजों की संख्या तीन है, यहाँ पे छः है, तो यहाँ पर भी क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ एक और दो, और ट्रिक से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे इस वन और प्लस टू करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा थ्री। यहाँ पर भी हम ट्रिक से चलेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक दो तीन लिखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू हमारा यहाँ पर टोटल त्रिभुज छः हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा बेसिक फिगर है ट्राइंगल का, आगे चलेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। अब अगर हम इस तरह का ट्राइंगल या फिगर लेते हैं तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमको बेस पे ध्यान देना है। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हमारा कितना ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक और दो लेंगे तो टोटल दो और एक तीन ट्राइंगल हमारा यहाँ बन रहा है। फिर इसी वाले पॉइंट से हम इस वाले बेस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना बन रहा है, एक और दो, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भी तीन बन रहा है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। इसमें इस तरह के फिगर में हमको बेस पे ही ध्यान देना है। चलिए देखिए देखते हैं, अगर ये हमारा फिगर है और इसमें अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, तो हम यहाँ पे दोस्तों पहले ही बताया कि हम इस वाले पॉइंट से हम हर एक बेस पे ट्राइंगल को काउंट करेंगे। अगर हम ये वाला बेस देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा कितना ट्राइंगल हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा थ्री टू फाइव और वह सिक्स ट्राइंगल हमारा यहाँ पे हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम इस वाले बेस पे भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा सिक्स ट्राइंगल, और इसी तरह से इस पॉइंट से इस वाले बेस पर भी हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा टोटल सिक्स ट्राइंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा दोस्तों हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एटीन। आई होप कि समझ आ रही होगी सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है। चलिए देखिए मैंने अभी बताया कि हमको बेस वाले फिगर पे ध्यान देना है, तो यहाँ पर भी हम बेस वाले फिगर पे ही ध्यान देंगे। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हम देख रहे हैं कि हमारा कितना ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ एक दो तीन चार, चार तीन सात आठ नौ एक दस ट्राइंगल। फिर हम इसी वाले पॉइंट से हम इस वाले बेस पे देखेंगे कि हमारा कितना ट्राइंगल बन रहा है, तो इस वाले बेस पे भी हमारा टोटल टेन ट्राइंगल बन रहा है। फिर हम इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल बन रहा है सिक्स ट्राइंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा इस वाले फिगर में दोस्तों कितना हो जाएगा, टेन प्लस टेन प्लस सिक्स, टोटल हमारा हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके, ट्रिक को ध्यान में रख करके हम ट्राइंगल की काउंटिंग को बहुत ही इजी वे में लेकर के चल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया अभी कि इस वाले पॉइंट से हम हर एक बेस पे ट्राइंगल को काउंट करेंगे कि हमारे इस वाले बेस पे कितना ट्राइंगल है, तो यहाँ पे वही करेंगे एक दो तीन चार पाँच, हम इस तरह से लिख लिए। टोटल हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गया इस वाले बेस पे 15, इस वाले बेस पे हमारा इस वाले बेस पे हमारा टोटल 15 ट्राइंगल हो गया। फिर इसी तरह हम इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे टोटल ट्राइंगल काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा। फिर इस वाले बेस पे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 हमारे इस वाले बेस पे टोटल 6 ट्राइंगल हो रहा है, और इस वाले बेस पे काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3 यहाँ पर भी हमारा 6 हो रहा है। तो हम हर एक बेस पे जितना जितना ट्राइंगल काउंट किए सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो इस वाले फिगर में हमको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों 42 हो जा रहा है। चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे समझना है कि अगर ये लाइन इस तरह से था, तो जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे इस तरह से हम नंबर लिखते हैं और इस नंबर के द्वारा हम सभी नंबर को आपस में ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर ये लाइन इस तरह से ना हो करके अगर हमारा ट्राइंगल में लाइन इस तरीके से रहता है, तो इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें टोटल ऑफ ट्राइंगल को काउंट करने के लिए हम इस वाले लाइन को काउंट करेंगे कि हमारा यहाँ पर टोटल कितना लाइन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारा एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये हमारा चार हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा दोस्तों फोर हो जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए, इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, पहला ट्राइंगल हो गया। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे हमारा ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। फिर इस वाले पॉइंट से लेंगे तो ये हमारा तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लेंगे तो ये हमारा ये चौथा ट्राइंगल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम काउंट करके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें बताइए दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमारा एक बेस लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल सिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बस एक बार आपको ध्यान से देख करके सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ रहा है, तो इसमें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा काउंट करना है। तो यहाँ पे तो ये फिगर बहुत ही आसान है, देख करके ही पता चल रहा है कि किस में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा पाँच होगा। देख लीजिए, ऐसे तो चार हमको दिख रहा है, ये वन टू, ये थ्री और ये फोर, और ये हमारा ये बड़ा वाला, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमको यहाँ पर फाइव दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइव हो जाएगा। लेकिन अब इसी फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं हम, और हम इस तरीके से चलते हैं, यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। दोस्तों इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। जब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखना है कि हम इस वाले फिगर को देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह हमारा एक फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, एक, दो, तीन और चार। तो हम ये चार ले लेंगे। फिर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि अब हम इस बड़े वाले में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो इस बड़े वाले में तो दोस्तों जब हम इसमें काउंट करते हैं तो इस वाले को हम नहीं काउंट करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर वाले को काउंट करते हैं। और जब हम इस बड़े वाले के अंदर काउंट करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये एक, दो, ये तीन और ये जो हम एक लिए हुए थे पहले से, ये हमारा कितना हो जाएगा, चार। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जा रहा है चार प्लस फोर। और फिर दोस्तों ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा वन हो जाएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है नाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। तो अभी बताया मैंने आप लोगों को कि इसमें क्या करना है, काउंट करना है। यहाँ हम देखेंगे कि पहले इस वाले के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है, तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ एक, दो, तीन और ये चार, चार मैंने यहाँ ले लिया। फिर मैं इसके अंदर देखूँगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है। तो जब हम इसके अंदर देख रहा हूँ तो एक, दो, तीन और ये मैंने इसको लिया था, ये हमारा फिर से चार हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इस बड़े वाले के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होगा। तो इस बड़े वाले के अंदर की जब हम मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक, दो, तीन और ये फिर हमारा एक, एक, दो, तीन और ये हमारा एक चार। और दोस्तों ये फिर बड़ा वाला एक हमारे पास हो जाएगा, तो चार या बारह और एक तेरह। इसमें दोस्तों हमारे पास टोटल तेरह नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, है ना। तो चीज़ें समझ में आ रही है, और नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब क्या है कि फिगर में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अब इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। अब हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, तो देखिए दोस्तों इसमें काम करिए। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल चैप्टर बना रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसमें बेसिक फिगर को हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे चल करके वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा तो यहाँ पर हमारा बेसिक फिगर बहुत काम देगा। तो बेसिक फिगर हमको ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों कि इसमें एक बेसिक फिगर है, और वो बेसिक फिगर क्या है आपका, बेसिक फिगर आपका ये है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, तो मैंने बताया था कि ये एक दो और ये हमारा एक टोटल तीन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है, तीन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बेसिक फिगर है हमारे पास, ये एक, ये हमारा दो और ये हमारा तीन, टोटल बेसिक फिगर हमारे पास यहाँ है। तो एक बेसिक फिगर में हमारे पास तीन ट्राइंगल है, तो इसमें तीन ट्राइंगल, यहाँ पर भी तीन ट्राइंगल और यहाँ पर भी तीन ट्राइंगल। तो दोस्तों तीन तीन नो ट्राइंगल तो हमको ऐसे दिख रहा है, और हम क्या करेंगे, एक इसको काउंट करेंगे दोस्तों, एक और ये हमारा ये बड़ा वाला एक, तो यहाँ से हमारा दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों हमारे पास यहाँ टोटल हो जाएगा 11। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है बेसिक फिगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इस वाले फिगर में देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग इसमें बेसिक फिगर को काउंट करेंगे, तो हमारे पास बेसिक फिगर ये रहा दोस्तों एक यहाँ पे। तो इस तरीके से बेसिक फिगर आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक बेसिक फिगर में हमारे पास यहाँ तीन ट्राइंगल होता है, तो तीन यहाँ पर, तीन हमारा यहाँ, तीन दोस्तों देखिए यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन और यहाँ पर भी हमारे पास तीन है। तो टोटल कितने तीन हो गया दोस्तों, छः हो गया, तो छः या 18 ट्राइंगल तो हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये वाला अंदर वाला एक, फिर ये हमारा हो गया दो और ये हमारा हो गया दोस्तों तीन। तो इस तरीके से हमारे पास तीन ट्राइंगल यहाँ पर है, तो 18 तीन टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर 21 है, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, इसको काउंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक फिगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारा तो एक बेसिक फिगर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक बेसिक फिगर है, उसी तरह हमारे पास ये एक बेसिक फिगर है, और इसी तरह हमारे पास ये एक बेसिक फिगर है। और इस वाले बेसिक फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ तीन, यहाँ तीन और तो यहाँ पे हमारा तीन है, तीन तीन नौ तो हमारे पास ऐसे मिल गया हमको। और आप देखिए कि अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है, एक दो तीन और चार, मैंने ये चार ले लिया ठीक, और फिर एक ये वाला पाँच और ये फिर एक दोस्तों ये बड़ा वाला यहाँ पे दो, तो हमारे पास नौ चार तेरह और दो पंद्रह टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें हमारे पास दोस्तों है ना। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अब क्या है कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना रहे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है,
यहाँ पे तो देख करके ही पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल दो है। ट्राइंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमारे पास ये दो हो गया। लेकिन अगर मैं यही फिगर इस तरीके से दे दूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है दोस्तों, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, देखिए समझिए। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखें तो चार तो मेरे को इस तरह से नज़र आ रहा है, यहाँ पे चार हो गए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड आउट करना है तो चार तो हमारे पास इस तरह से हो गया। फिर देखिए दोस्तों, एक हमारा ये ट्राइंगल हो जाएगा, एक, फिर एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो जाएगा दो, फिर एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो जाएगा तीन, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो जाएगा चार। तो इस तरह दोस्तों चार प्लस चार बराबर टोटल हमारे पास इसमें आठ ट्राइंगल हो गया। दोस्तों जैसे जैसे ये फिगर बड़ा होते जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल गिन पाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग इसके लिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है दोस्तों, कि अगर इस तरह से है तो हम इस तरह से नंबर लिखते हैं एक दो तीन और चार, और जितना नंबर तक जाता है हम उसको दो से गुना कर देते हैं, चार गुना दो बराबर आठ, टोटल हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल आठ हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच और छः लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, छः को दो से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 12। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए दोस्तों कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। तो क्या करेंगे, उसी तरह से हम यहाँ नंबर लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, और क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम आठ को दो से गुना कर देंगे, आठ दो नहीं सोलह, ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसा अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे दो फिगर को अब हम लोग एक साथ मिलाते हैं। अब इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब फिगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पे हम लोगों को बेसिक फिगर को ध्यान में रखना होता है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बेसिक फिगर है तो इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, आठ है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैसा ही एक बेसिक फिगर हो जा रहा है हमारे पास, अगर हम सिर्फ इसको लेते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्या है, ये एक बेसिक फिगर हो जा रहा है, और इसमें मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जब काउंट करना है तो इस तरह के से हम नंबर लिखेंगे और जितना आएगा उसको दो से गुना कर देंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आठ हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आठ होगा, तो फिर उसी तरह का एक बेसिक फिगर हमारा ये भी है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा आठ होगा। तो यहाँ पर टोटल तो आठ प्लस आठ हो ही गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात को ध्यान में रखना है कि क्या इन दोनों बेसिक फिगर के मिलने से तो एक नया ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल हमारा दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे हमको दो, इन दोनों फिगर के आपस में मिलने से हमको यहाँ पे दो नए ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो इस तरह से आठ और आठ और हमारे पास ये दो, तो टोटल आठ आठ सोलह सत्रह अठारह, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए दोस्तों, अठारह हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक बेसिक फिगर हो जा रहा है, जिस तरह से इसमें हमने एक बेसिक फिगर लिया था, यहाँ पर भी बेसिक फिगर है, और बेसिक फिगर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है, आठ है। तो इस तरह से अगर हमारे पास बेसिक फिगर है तो दोस्तों, तो इस वाले में आठ हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ पर आठ हो जाएगा, और इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा, आठ। तो आठ या चौबीस तो ऐसे हमको ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो तीनों बेसिक फिगर यहाँ पे मिल रहा है, इन तीनों के मिलने से क्या कोई नया ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें कि दो के मिलने से दो नया ट्राइंगल बना, तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास यहाँ पर दो नए ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। फिर अब इन दोनों के आपस में मिलने से भी हमारे पास यहाँ पर दो नया ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जा रहा है,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 × 3 = 24 हमारे पास ऐसे हो गया, और 2 × 2 = 4 हमारे पास ऐसे हो गया दोस्तों। तो 24 × 4 = 28, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, 28 है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों, और बाकी इसका पार्ट टू अभी आपका टॉपिक में नंबर ऑफ ट्राइंगल में और भी कई तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है ना, जय हिंद।